Good morning to all. First of all, stay home, stay alive. Follow the instructions. Good morning to all. First of all, stay home, stay alive. Follow the instructions, that is, stay home, keep distances, wash your hands regularly, and cover your mask. Cover your face with a mask. I, Naveen Goel, welcome you all from Electrical and Electronics Department from Sri Shankaracharya Technical Campus, Bhilai. I have done my BE from MITS Gwalior, then M.Tech from GSITS Indore, and PhD from CSE2 Bhilai. We have in Electrical and Electronics Department. We have highly qualified faculties. All of the maximum of the faculties are having PhD, and the average experience of the faculty is 12 years. Myself is having a 21 years of teaching experience. We have different labs, modern labs, just like a Siemens lab, in which we have MOUs with the Siemens, in which we give the training, the PLC, and the SCADA. Now, we will answer the queries. चाहे बी इलेक्ट्रिकल में करें चाहे आईटी में करें, इट इज इरेस्पेक्टिव, बिकॉज द फर्स्ट मेन थिंग इज दैट यू हैव टू डन योर बी विथ फुल डेडिकेशन. ओके, जो भी आप करना चाहते हैं डेडिकेशन से करिए. ब्रांच इरेस्पेक्टिव क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आज की तारीख में आप किसी भी ब्रांच से जॉब बी करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं. एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल ब्रांच इज दैट कि आप यदि इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं तो उसमें एडवांटेज ये होगा कि दिस इज अ कोर ब्रांच एंड आईटी इज द प्योरली सॉफ्टवेयर ब्रांच. सो यदि आप कोर ब्रांच से करते हैं तो आपके पास दो रास्ते खुले हुए हैं. यू कैन गो फॉर द कोर ब्रांच एंड ऑल्सो यू कैन गो फॉर द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. बिकॉज आज की तारीख में जो भी प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही हैं वो ये कहीं नहीं बोलती हैं कि हमें वो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए. दे वॉन्ट द इंजीनियर्स, कैपेबल इंजीनियर्स. ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर साइंस से या आई टी से बी किया हो. उनको चाहिए एक ऐसा इंसान जो कैपेबल हो, जो उनका काम कर सकता है प्रॉपरली एंड ऑनेस्टली, क्योंकि वहां पर एक ट्रेनिंग होती है. चाहे आपने किसी भी फील्ड से किया हो, एक ट्रेनिंग वहां पर होगी ही होगी. तो आप यदि बी इलेक्ट्रिकल है या बी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी आपको वो ट्रेनिंग तो करनी ही होगी, राइट. सेकेंड एडवांटेज इज दैट यू कैन गो फॉर द कोर ब्रांचेस ऑल्सो, लाइक यू कैन गो फॉर, आप सीएससीबी में आप जा सकते हैं, आप अपना दूसरी जो कंपनीज हैं आपके पब्लिक सेक्टर्स हैं उनमें आप जा सकते हैं, आप और जो आपका सीएससीबीज वगैरह हैं उनमें आपका सिलेक्शन हो सकता है. तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कोर ब्रांचेस, जिनमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आईटी वाले कोर ब्रांचेस में नहीं जा सकते हैं. ओके, आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड नाउ. नेक्स्ट इज अश्विन कुमार, हाउ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज शेप्ड द मॉडर्न वर्ल्ड. आई थिंक मॉडर्न वर्ल्ड में हो चाहे पुराने वर्ल्ड में हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज द मस्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड. ओके, आप कोई भी फील्ड हो, कहीं पर भी हो, आप चाहे घर में हो चाहे बाहर हो,
आप चाहे पर इंडस्ट्री रन करा रहे हो, चाहे आप कहीं पर पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल इज मस्ट किसी भी इंडस्ट्री को रन कराने के लिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हो, हार्डवेयर इंडस्ट्रीज हो, किसी भी चीज को रन कराने के लिए इलेक्ट्रिकल इज मस्ट। ओके, नेक्स्ट इज हाउ आर द प्लेसमेंट्स गोइंग ऑन एट एसएसटी सर, स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रीम। आई हैव सीन मेनी गुड कंपनीज विजिटेड एसएसटी। यस अंकित वर्मा, वी हैव अ लॉट ऑफ कंपनीज विजिटेड इन आवर कैंपस इन द लास्ट ईयर्स। वी हैव मोर देन 84 कंपनीज विजिटेड इन आवर कैंपस फॉर ऑल द ब्रांचेस इंक्लूडिंग core branches as well as the software companies, and we have a very good placement. We have maximum placement, the amount the company offered are 14 lakhs. Okay, in whole Chhattisgarh, our college has done very good job in this field. Means हमारे यहाँ जितनी companies आई हैं पिछले साल में पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई companies आई हो। मैं आपको कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं, इट्स द फैक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, देयर आर बेसिकली थ्री ब्रांचेस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री ब्रांचेस। ओके, इलेक्ट्रिकल मीन्स इट्स प्योरली इलेक्ट्रिकल, ईटीसी इट्स टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम फेयर साइड। दस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज हैविंग द एडवांटेज ऑफ बोथ इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। जैसा इसका नाम ही बता रहा है, ये दोनों फील्ड के लिए क्या है, कैसे है। सपोज यू वांट टू अपीयर इन द गेट एग्जाम, जब आप गेट एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल से भी अपीयर हो सकते हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अपीयर हो सकते हैं। सिमिलरली इफ यू वांट टू गो फॉर द जॉब, जब आप जॉब के लिए जाना चाहेंगे तो जॉब में जब आप जाते हैं तो आप सीएससीबी में जो इलेक्ट्रिकल दिखाई देता है उसमें भी जा सकते हैं और एक टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भी आप अपीयर हो सकते हैं। तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। और नॉट ओनली इन दिस, आप सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाना चाहते हैं वहां पर भी जा सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर्स में जाना चाहते हैं वहां पर भी जा सकते हैं, आप एक पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं वहां भी जा सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो कैपेबल है दोनों ब्रांचेस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल के भी सब्जेक्ट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सब्जेक्ट्स इसके अंदर होते हैं। ओके, आयुष चक्रवर्ती, कैन ट्रिपल ई स्टूडेंट्स गेट इन टू डिफेंस फील्ड ऑल्सो। यस, आई वॉन्ट टू टेल यू आयुष, आई एम प्राउडली अनाउंस यू दैट वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स ऑफ 2019 बैच इज सेलेक्टेड इन एस एस बी। आप फेसबुक पेज में भी देखेंगे, इट्स सेलेक्टेड इन एस एस बी एंड द ऑल इंडिया रैंकिंग ऑफ दिस इज इन एम पी इज द फर्स्ट। सो यू कैन गो फॉर एनी फील्ड, there are so many students from our branch, those who are having a deputy collector, there is a deputy commissioner, they are having the DSP, they are the scientist, they are doing the job outside the India, and also for higher studies also you can go for any field, right? There are so many fields in the higher studies, like you can go for the computer engineering, signal processing, power electronics, communication, embedded system, biomedical imaging, and these are the fields in which you can go for the higher studies also. Okay, Soumya, can triple E students go for the government job? Yes, Soumya, I already told that triple E students go for the government job in the field of electrical, just like in CSEB, just like in DSP or in BHEL or in NTPC or in telecommunication departments. So triple E students can appear in electrical as well as in electronics field. Okay,
Yes. What are the common misconceptions people have in electrical engineering? Kamini sir. Yes, Kamini. The misconception in electrical is that nowadays there are no jobs in the field of electrical engineering. I want to tell you that those who don't want to do anything for them, there is no job. But यदि आप honestly, dedicatedly कुछ करना चाहते हैं, then you have a job in either in electrical field or in any field from engineering. Suppose you are a graduate from any other field. Okay, so are you sure that you will get the job? It's not necessary. The necessity is that you do your job with the honesty, with the full dedication. जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको अच्छा जॉब मिल रहा है. They are doing very well. क्या ये जरूरी है जैसा आप लोग सोचते हैं या जैसा हमने देखा है कि IITs और NITs से करेंगे हम बी तो हमें जॉब जरूर मिल जाएगा. इट्स नॉट नेसेसरी. देयर आर सो मेनी पर्संस फ्रॉम IITs और NITs, दोज़ हु आर नॉट डूइंग वेल, दे विल नॉट गेट द जॉब. सो इट इज मस्ट कि आप कहीं से भी पढ़ाई करें, आपका डेडिकेशन जरूरी है, आपका फुल्ली इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट, बिकॉज वी आर फाइटिंग on the national level in each field. Graduate होने के बाद क्या एक commerce, क्या एक science वाला, क्या sure है कि आपको आज की तारीख में उसको job मिल जाएगा, B वाले को नहीं मिलेगा? नहीं है. Electrical engineering के बारे में misconception है कि यदि कि उसको job नहीं मिलता, एक software वाले को मिलता है, ऐसा नहीं है. क्योंकि जो आज की तारीख में companies आ रही हैं, they want the good person, जो उनके साथ काम करने में capable हो, because वो अपनी training लेके को अपने लिए कैपेबल बना लेंगे कि वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में काम कर सके. और आपके पास दूसरा रास्ता, जैसे मैंने बताया, यू कैन गो फॉर द पीएससी एग्जाम्स, यू कैन गो फॉर द सीएससीबी, राइट? यस पवन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल ई नेट एग्जामिनेशन? यस, आई एम वेरी ऑनेस्टली एंड प्राउडली से दैट फ्रॉम इन द लास्ट 5 years CSU2 एग्जाम में हमारा रिजल्ट्स बहुत अच्छा रहा है. बहुत अच्छा मीन्स फ्रॉम द लास्ट 3 years द टॉपर्स फ्रॉम ट्रिपल ई ब्रांच एंड दे आर द गोल्ड मेडलिस्ट. ओके, एंड फ्रॉम द लास्ट 10 years आई कैन से दैट कि वो टॉप 10 में हर साल हमारे कम से कम 4 से 5 स्टूडेंट्स आते हैं. बट फ्रॉम द लास्ट 3 years जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, वो हमारे ही ब्रांच से, हमारे ही कॉलेज से. ओके, ख्याति सर, कैन ट्रिपल ई स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज ड्यूरिंग कैंपस? यस, वी आर एलिजिबल फॉर दिस. Sir, I want to know which one is your favorite branch. Ashwin. Yes, Ashwin, my favorite branch is electrical engineering. And I have done my BE from electrical. And then I have done my M.Tech from electrical. And I have done my PhD from EEE branch. Okay, that's why I have chosen the electrical branch. In the placement in SSTC is the 14 lakh rupees. Two of the students in the last year selected from our branch at this package.
Okay, one more thing I want to tell you that in our department, we are having the four groups, or we have the four more things I want to introduce. That one is that we have a Institute of Engineers student chapter, IEEE student chapters, we have the E-Cell, that is the Entrepreneurship Cell, and we have the IDC Cell. हमारा डिपार्टमेंट ये चारों चीजों का रन करता है एंड अंडर दिस वी आर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स रेगुलरली इन आवर डिपार्टमेंट एंड बिकॉज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस टू डेवलप द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट ओवरऑल डेवलपमेंट में मीन्स हम खाली पढ़ाई नहीं करा रहे हैं हम उसको सारा डेवलपमेंट करवा रहे हैं उसका हाउ टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम हाउ टू ऑर्गेनाइज द अदर हाउ टू work with the group. So when you conduct the program, student chapters means students organize these programs and we monitor this. So when you conduct these programs, you are eligible to handle all the situations. क्योंकि कोई भी आप एक प्रोग्राम कराते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जैसा आपने प्लान किया था वो वैसा ही हो जाए. शादी में अपन ऑर्गेनाइज करते हैं सब प्लान करते हैं तो वो वैसा ही नहीं होता है ना. There are so many difficulties are there. So on the spot, हमें decisions लेने होते हैं. तो वो सारे programs जब आप handle करते हैं तो आपके अंदर एक capability आती है कि किसी भी program को organize कराने में क्या क्या difficulties आ सकती हैं और उसको हमें कैसे handle करना है. तो उसका overall development होता है. तो जब overall development होता है तो आप जब civil services के PSCs के exams के साथ बाद interviews में जब आप appear होते हैं तो आप capable होते हैं हर एक type के क्वेश्चंस का रिप्लाई करने के लिए, राइट? ओके, वेलकम राज. आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू सर. नेशनल लेवल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय योर डिपार्टमेंट. यस वेलकम. वी रेगुलरली ऑर्गेनाइज द डिफरेंट प्रोग्राम इन द 2015. In 2017, we organized the Elysian, and the last year, we organized a national level event, first time in Chhattisgarh, that is the Makerthon 2020, in which we have more than 180 teams participated in the preliminary round. We have this program in two rounds, and we shortlisted in 180 to the 50 teams. And these 50 teams regularly work on this. And in this Makerthon, what is Makerthon? In this Makerthon, they do their work on the hardware, right? आपने यदि हैकाथॉन सुना होगा तो उसमें सॉफ्टवेयर के ऊपर हम काम करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. मैकाथॉन में हमने क्या किया, एक नई कॉन्सेप्ट लेके आया है कि जिसमें हमने हार्डवेयर के ऊपर उनको 24 आवर्स कंटिन्यूस काम कराया और उसमें उन लोगों ने अपनी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, जिसमें मोर देन 12 टू 15 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम आउटसाइड छत्तीसगढ़ एंड द फर्स्ट प्राइज वॉट फ्रॉम NIT रायपुर, सेकेंड प्राइज फ्रॉम SSTC एंड द थर्ड प्राइज फ्रॉम द SSTC. We have the 5 consolation prizes also, in which one prize goes to school. जिसमें हमने स्कूल की टीम को भी इंट्रोड्यूस किया था पार्टिसिपेशन के लिए. Swana Sahu, what is the biggest challenge in the electrical industry at the present moment? द प्रेजेंट मोमेंट मैंने आपको अभी बार बार बताया है, अभी तो और भी एक बार मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज इन द प्रेजेंट मोमेंट इज द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट यू हैव टू डू योर स्टडीज विद द फुल डेडिकेशन ऑनेस्टली, राइट? हम ये जो सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल में कोई स्कोप नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आज की तारीख में हुई प्लेसमेंट हमारी ब्रांच से मोर देन 75% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है इन द डिफरेंट फील्ड्स. They are placed in the government sector, they are placed in the public sector, they are placed in the private sectors, they are placed in the software industries. So, किसी भी ब्रांच से यदि आप बी करते हैं तो आपको सबसे पहले ऑनेस्टली और अच्छे जॉब पढ़ाई करनी होगी. Okay.
ओके सॉरी, जैसे जैसे ऑटोमेशन आ रहा है इंडस्ट्रीज में, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है इंजीनियर्स को? इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, याद दिलाऊंगा कि जब कंप्यूटर्स आए थे तब बहुत हल्ला मचा था कि कंप्यूटर्स आ गए हैं, अब इंजीनियर्स या अब लोगों के पास जॉब नहीं होगा, अब लोग बेकार हो जाएंगे, सारी चीज़ें कंप्यूटर से होंगी। तो क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑटोमेशन आ रहा है, वो ऑटोमेशन को रन कौन कराएगा? उनके प्रोग्राम्स डिज़ाइन कौन करेगा? कोई भी एक रोबोट यदि डिज़ाइन या काम करता है तो उसको डिज़ाइन कौन करता है? इंजीनियर्स डिज़ाइन करता है। एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, एक कंप्यूटर साइंस वाले, तो सारे इंजीनियर्स जो हैं वो मिल के काम करते हैं, तब एक रोबोट डिज़ाइन होता है। तो एक ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए, उसको रन कराने के लिए इंजीनियर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, धर्मा सर, व्हाट डू यू थिंक ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आफ्टर 5 इयर्स, क्या चेंजेस हो सकते हैं? धर्मा, आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट बिकॉज इट्स अ इंडस्ट्री जिसमें कब क्या होगा आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। आज से 5 साल पहले तक सिविल इंजीनियरिंग का कोई स्कोप नहीं था, लेकिन आज की तारीख में सिविल इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है। आज से 8 साल पहले तक आईटी का कोई स्कोप नहीं था, कंप्यूटर साइंस का कोई स्कोप नहीं था, लेकिन आज कंप्यूटर साइंस आईटी का स्कोप है। वो स्कोप भी हम ही लोग जनरेट कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हम ही लोग आपस में बात करते हैं, हम ही लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर साइंस में जॉब है बाकी में नहीं है, इलेक्ट्रिकल में जॉब नहीं है, मैकेनिकल में जॉब खत्म हो गए हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब नहीं बचे, ETC में जॉब नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 5 साल बाद क्या होगा ये मैं आज मैं भी नहीं बता सकता हूँ और कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि एक इंजीनियर का फ्यूचर जैसा आज है उससे अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर सेटिस्फाइड विद माई आंसर्स। थैंक यू।